अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके? आप सब ठीक हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। आज जो हमारा ब्लॉग है वो हमारा कढ़ी पकौड़ा बनाने का ब्लॉग है। और ये मैं प्याज काट रही हूँ कढ़ी के लिए, और जो पकौड़ों के लिए वो अलग काटना पड़ेगा। आज मौसम भी ऐसा है कि बादल गरज रहे हैं, बारिश भी होने लगी है, तो हमने कहा टाइम से जो है ना वो बना लें, क्योंकि आगे बरामदा वगैरह नहीं है तो बारिश में बनाना मुश्किल हो जाता है काम। तो हमारा जो किचन है वो बाहर वाली साइड पे है। मैंने कहा आज चलें कढ़ी पकौड़ा बनाते हैं। और जो मेरी दोस्त आई हुई थी ना, तो वो भी कहती है कि आज कढ़ी पकौड़ा बनाएं। हमने बनाने थे पुलाव, चावल बनाने थे गोश्त डाल के, तो कहती है कि नहीं वो नहीं आज बनाएं, तो फाट दे आज कढ़ी बनाते हैं। मैंने कहा चले ठीक है, आज हम कढ़ी बनाते हैं। तो कढ़ी काफ़ी दिनों से, यानी कि काफ़ी महीनों से नहीं बनाई थी। मैंने कहा चले आज कढ़ी बनाते हैं। तो मैं साथ साथ मैंने कहा प्याज भी काट लूँ और आपसे बात भी शेयर कर लूँ कि हम आज क्या बनाने लगे हैं। तो आप लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, गोदड़ी तार, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरी सपोर्ट करते रहेंगे तो चल मैं भी कामयाब हो जाऊंगी। बस आप लोगों की जो है ना वो हेल्प चाहिए, मदद की जरूरत, आप लोगों के प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है। और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। पहले मेरा यही आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं भी कामयाब थोड़ी सी हो जाऊँ। मेरा नया नया चैनल है और मुझे इतनी खास वीडियो तो नहीं बनानी आती, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अब कर लेती हूँ। पहले पहले जो वीडियो मैंने बनाई है वो तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही उसमें तो तो अब तो फिर भी थोड़ी सी मैं कुछ बनाने लग गई हूँ। तो अभी ये प्याज मैंने काट लिया है और ये हमने कपड़े गंदे होने, ये शॉपर में हमारा दही पड़ा हुआ है और ये हमारा बेसन पड़ा हुआ है और प्याज हमने काट लिया है। तो ये लहसुन है, लहसुन मैं अभी छील रही हूँ और ये टमाटर काटने लगी हूँ। अभी मसाला इसका बना रही हूँ, तो पहले कढ़ी का मसाला बनाते हैं फिर पकौड़ों का बनाएंगे दोबारा। तो अभी फ़िलहाल बारिश भी होने लग गई है, वो देखें कितनी बारिश हो रही है। बारिश शुरू होने वाली थी जब मैंने आपसे कहा था, तो आप देखें कितनी बारिश हो रही है। इधर पास मैंने छिलके लगाए, नहीं क्या मैंने छिलके लगाए, मैंने उतारे नहीं, सही छिले नहीं। ये देखे ये क्यूट सी बच्ची जो है मेरे साथ लहसुन छिलवा रही है, उधर देखे ये कहती है मैं भी आपके साथ लहसुन छिलवाऊंगी। जो काम करती हूँ तो ये साथ साथ मेरे करती हैं, मेरे साथ साथ रहती हैं। मोहब्बत है ना, बच्चे तो प्यार के जो होते हैं वो भूखे होते हैं। जितना बच्चों से बड़ों से प्यार करोगे उतना ही बंदा जो है वो करीब आएगा, चाहे वो किसी जानवर से प्यार क्यों ना करे, तो वो भी एक जान नहीं छोड़ता इंसान की। तो ये तो फिर भी इंसान है, बच्चे हैं। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हर किसी के साथ मोहब्बत से पेश आया करें और एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ बात शेयर किया करें और एक दूसरे का यानी कि पर्दा रखा करें, क्योंकि अगर हम किसी की बात का थोड़ा सा छुपाएंगे तो वो भी अल्लाह ताला भी खुश होगा, क्योंकि अगर हम एक एक बात का अगर पर्दा रखेंगे तो अल्लाह ताला हमारे 70 पर्दे रखेगा। तो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आया करें, मेरी आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है।
ये हमने लहसुन भी छील लिया है, टमाटर भी काट लिए हैं और प्याज भी काट गए हैं। अब हम जाते हैं किचन में। स्टॉप करें, स्टॉप करने का। ठीक है, ये हम डालने लगे हैं घी। ये थोड़ा सा हम कड़ी में घी जो है वो कम डालेंगे, इस वजह से कि हमने इसका लहसुन का तड़का जो है वो बाद में लगाना है। आप हमारे साथ साथ रहिएगा कि मैं कड़ी कैसे बनाती हूँ। ये हमने प्याज डाल दिया। जब तक प्याज ब्राउन होता है ना तो हम इसमें दही मिक्स कर लेते हैं और ये बेसन जो है वो मिक्स कर लेते हैं और मिक्स भी हम उस मशीन में करेंगे क्योंकि वो अच्छी तरह से हो जाता है। ये मशीन है, इसमें हम दही भी डालेंगे और बेसन भी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। उतनी कर रही है आप? बहुत नहीं इतना बस बस ज्यादा फिर हो जाएगा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी। हम कपड़े वगैरह इस्त्री कर लेते हैं, स्विच लगा हुआ कपड़े इस्त्री करके तो हम जो भी चीज़ है, फिर यहाँ पे लीड लगी हुई है, उधर का सिस्टम जो है हमारा नहीं है तो अभी मैं ये इसको घुमाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मिक्स हो गया।
चलो जी ये मिक्स हो गया है, अब हम उधर चलते हैं, मसाला वगैरह बन गया होगा। ये हमने डाल दिया, अभी थोड़ा सा प्याज कच्चा था, ज़्यादा नहीं बनाई थी तो अभी टमाटर डाल दिया। अब आपके पापा गीले होके आएंगे। ये देखे मैं हांडी बना रही थी तो मेरे को ये देखे मैं हांडी बना रही थी तो मेरा सारा पालक में अंदर पानी चला गया। मैं बाहर के बंद करके आऊँ दरवाजा। मैं सारी गीली हो गई हूँ, सारा पार्लर में पानी चला गया अंदर, सोफे गीले, सोफे गीले तो सारे अंदर चादरें छादरे ये वो सारा कुछ गीला हो गया। तो अभी मैं सांस भी चढ़ गया अपना आपकी मुझे, और मैं मसाले वगैरह डाल दूँ। ये हमने थोड़ी सी दड़ा मिर्च डाली है क्योंकि इसमें ना जायका बहुत आता है दड़ा मिर्च का। और ये मैं डालने लगी हूँ हल्दी, थोड़ी सी और डाल दूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और ये सूखा धनिया, सूखा धनिया के बाद जो है वो नमक, मसाला हमारा बन गया। थोड़ी सी मैं दूसरी भी डाल के उसमें कलर आ जाएगा। ये तो नहीं ना डाली थी क्योंकि इसमें हरी भी डालनी है। इधर ही रखा हुआ है, इधर भी रख लें, इधर भी कर लें, या करें मसाले भी रखा। तो मसाला हमारा तैयार हो गया और अब हम इसमें डालने लगे हैं वो ये जो हमने दही और नहीं डाली दही और इसमें वो डाल के रखा हुआ तो वो मैं करके लिया अपने बाद में, एक इसी में डाल के मिक्स कर लेती हूँ। इसमें हम और भी पानी ऐड करेंगे। स्टॉक कढ़ी में हमने पानी डाल दिया, अब इसको हिलाते जाएंगे जब तक ये उबलने ना लगे ना, तो इसको हिलाते रहना क्योंकि अगर हिलाएंगे नहीं ना तो
तो ये अंदर गिल्टियाँ सी बन जाएंगी इसकी। तो अब हम इसको हिलाते रहेंगे जब तक ये इसको बॉयल नहीं आएगा। तो तब तक मैं लहसुन वगैरह कूट लेती हूँ। जैसे ये थोड़ी सी थिक होगी और ऊपर तरी छोड़ देगी तो हम इसको बाद में लहसुन का तड़का लगाते हैं। मैं अब ये देखें, ये लहसुन रखा हुआ है और मिर्चें जो है ना ये मैं वैसे ही डालूँगी, ऊपर कच्ची जैसे डालते हैं ना तो वैसे ही डालूँगी। और ये लहसुन है ना इसका मैं तड़का लगाती हूँ अभी। ये देखें अब कड़ी को ये उबाला शुरू हो गया है इसका। तो और तब तक मैंने कहा ये मैं सारे मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं। इसमें लाल मिर्च, इसमें सूखा धनिया और प्याज और अनारदाना, बेसन, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड करके वो नमक वगैरह। तो अब इसको हल करके रखती हूँ पानी डाल के, तो इसका मसाला बना के जब तक वो हो जाएगा तो फिर पकौड़े शुरू करते हैं। देखें इसमें मैंने बेसन थोड़ा सा कम डाला है क्योंकि कड़ी में बेसन जो है ना वो ज़्यादा है, तो जब पकौड़े डालूंगी ना तो वो ज़्यादा थिक हो जाती है कड़ी, तो इस वजह से मैंने इसमें जो है ना वो मसाले जो है ना कम। ये देखें ये कड़ी तकरीबन हमारी पक चुकी है और ये मैंने दूसरे चूल्हे पर जो है वो ऑयल रखा हुआ है, ये गर्म होता जा रहा है थोड़ा सा। इसमें हम लहसुन डालेंगे कड़ी में डालने के लिए, ऊपर से जो तड़का लगाते हैं। ये देखें ये गर्म हो चुका है। ये हमने लहसुन डाल दिए, इसको जैसे ही ये ब्राउन होगा ना तो हम इसको कड़ी में डाल देंगे। और कड़ी के ऊपर भी देखें ये तरी आती जा रही है थोड़ी थोड़ी, और मज़ीद जो तरी लाने के लिए वो इस प्याज से आ जाएगी। ये देखें थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया, इसको थोड़ा सा हम और ब्राउन करते हैं। देखें ये ब्राउन हो चुका है और अब हम डालने लगे हैं इसको कड़ी में। पीछे कर लेना, ये हमने डाल दिया इसमें। और अब हम ज़ीरा जो है ना वो पीस के तो नहीं डालेंगे, लेकिन ऐसे ही जो है ना ये ज़ीरा है ना सफ़ेद ज़ीरा, इसको हम मसल के ऊपर डाल देंगे हाथ से। ये हमारी कड़ी हो गई है तैयार। अब हम निकालने लगे हैं पकौड़े। इसकी थोड़ी सी मैं आँच हल्की करती हूँ, बिल्कुल हल्की। और अब मैं निकालने लगी हूँ पकौड़े। अब इसी में डालते हैं घी पकौड़े। ये मैंने ऑयल थोड़ा सा डाल दिया इसमें पकौड़ों के लिए। स्टॉप करें, चले जी अब हम पकौड़े स्टार्ट करते हैं। ये हम चूल्हा बंद कर देते हैं, पकोड़े हमारे बन गए हैं। ये देखें बहुत मज़े के पकोड़े बने हैं क्योंकि इसमें अनारदाना डाला है ना, अनारदाने से बहुत मज़े के पकोड़े बनते हैं। आप भी अनारदाना डाल के बनाइएगा, आपको पसंद आए तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। ये मैंने पकोड़े निकाले हैं और जैसे ही मैंने पकोड़े निकाले हैं तो मैं इसका चूल्हा भी बंद करती हूँ, ये कड़ी वाले का। ये देखें कड़ी भी पक गई है तकरीबन, और
अब मैं इसमें पकौड़े डालती हूँ। ये रहे जी, ये बन गई हमारी पकोड़ों वाली करी। और मेरे ऊपर करी है, मैं थोड़ा सा इसके साथ शेयर करूँ। इधर हम मेरी बीबी जी, आपको मेरी कड़ी कैसे लगी, कैसी लगी, कैसी बनाई मैंने, तो आप भी ऐसे बनाइएगा। और बहुत मज़े की कड़ी बनी है, तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैंने आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी हेल्प करेंगे, मेरा साथ देंगे। तो आज की वीडियो मेरी बहुत ही यानी कि वो टेस्टी है, तो मुझे यानी कि अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।